brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमूना टाइप का भेजते हैं, नमूना टाइप का मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का कुछ और सोचिए। इन चीज़ों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं। कहेंगे गृह मंत्री हैं वो कि पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करेगी और इस इलाके में जो गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आपराधिक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो है न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई करेगी, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करेगी। इस संबंध में हम आपको सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं कि 10 साल के सांसद के पास 10 काम नहीं है गिनाने को। कहते हैं कि 14,000 करोड़ खर्च किए, 14 पत्थर नहीं है शिलान्यास का और उद्घाटन का दिखाने को। इसीलिए जो सवाल हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक के लिए पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा है कि शायद उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए वो यह कायराना पूर्ण आपराधिक हमला करा रहे हैं। लेकिन हम उनको कह दें कि हमारे पुरखों ने स्वतंत्रता सेनानी बनकर इस देश करेंगे आपके कायराना हमले से, आपके द्वारा भेजे गए अपराधियों से, और अपराधी भी नमूना टाइप का मतलब कुछ जो है लाइक मिल जाए, कुछ व्यूज मिल जाए, नमूना टाइप का। तो कुछ और सोचिए। इन चीज़ों से जो है हम रुकने वाले नहीं हैं, और आपके माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से हम अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आपके हाथ में ताकत है, आप इस गुंडागर्दी का जवाब 25 मई को अपने वोट से दीजिए, इस तानाशाही का जवाब अपने वोट से दीजिए। जिस तरीके से एक महिला पार्षद पे हमला किया गया है छाया शर्मा जी के ऊपर, इसका जवाब अपने वोट से दीजिए। और 10 साल से जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, चाहे जाम की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कें चौड़ीकरण नहीं हुई हो, पानी नहीं मिल रहा हो, जल भराव हो, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उसका जवाब वोट से दीजिए। और सांसद महोदय से यही कहेंगे, सांसद महोदय आपने अगर काम किया है तो किसी भी मंच पे आकर के बहस कर लीजिए, ये गुंडा भेजने का क्या ज़रूरत है, बहस कर लीजिए, आप अपना काम गिना दीजिए। और आपने जो दो गांव गोद लिए थे 2014 में, वो गांव हम घूम करके आए हैं। अगर आपने काम किया है तो अपना काम गिनाइए। विपक्ष को बदनाम करना, नकली वीडियो चलाना, गुंडे भेज करके लोगों को डराना और पैसे से खरीदने की कोशिश, ये हथकंडे हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। हम लड़े थे और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई साथी अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न करें, बस एक बारी बारी से। छाया शर्मा ने कंप्लेंट कराई है, क्या आपने भी कोई पुलिस कंप्लेंट कराई है, जिस तरीके का हमला आप पर किया गया? स्वाभाविक रूप से, मैंने जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को और देश को बता रहे हैं, तो देखिए, देशभक्त होने का मतलब होता है कानून में भरोसा करना, देशभक्त होने का मतलब होता है संविधान में भरोसा करना। तो कानून कहता है कि आप सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हमने कंप्लेन कराई है, हमारे इलेक्शन एजेंट ने कंप्लेन कराया है हमारे बिहाफ पर, और हम अभी प्रत्याशी हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, जो आर ओ हैं उनके पास भी हमने अप्लीकेशन दिया है, हमने कंप्लेन कराया है। तो चुनाव में किस तरह का बदलाव आप करने जा रहे हैं, जिस तरीके के हमले अब स्टार्ट हुए हैं, अभी चुनाव आ गए, तेजी पकड़े नहीं, चुनाव में बदलाव जनता कर रही है, और उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है
कि हमारे विरोधी जो हैं हमसे बहस नहीं कर पा रहे, हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। लेकिन गुंडा भी थोड़ा ढंग का भेजना चाहिए, नमूना टाइप का भेजते हैं।